हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 8C पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 6। क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को संधिभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज ये आपका ABCD हो गया, इसका ये विकर्ण AC जो है एंगल A को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी संधिभाजित कर रहा है। दर्शाइए कि यह एंगल C को भी संधिभाजित करता है, यानी कि ये जो विकर्ण AC है एंगल C को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है, संधिभाजित कर रहा है, ये हमें दिखाना है। फिर दूसरे नंबर में यह भी दर्शाने के लिए कह रहा है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ये जो ए बी सी डी जो है, ये समांतर चतुर्भुज जो ए बी सी डी दिया है, ये आपका सम चतुर्भुज कब होगा? जब इस समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो ये आपका क्या बन जाएगा? सम चतुर्भुज बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इस चीज को देखते हैं। पहले लिख लेते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है, ठीक है? तो दिया क्या है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण AC एंगल A को संधिभाजित करता है, एंगल A को संधिभाजित करता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है? एंगल A को संधिभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है? तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? पहले नंबर में कि ये जो विकर्ण AC है एंगल ए के साथ साथ एंगल सी को भी संधिभाजित करता है, ठीक है? यानी एंगल सी को संधिभाजित करता है, क्योंकि ए को संधिभाजित करता है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना? हमें साबित क्या करना है कि एंगल सी को संधिभाजित करेगा ये विकर्ण। और दूसरा चीज क्या दिया है कि ए बी सी डी आपका सम चतुर्भुज है, ये हमें दिखाना है। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, ये हमें साबित करके यहाँ पे दिखाना है। चलिए यहाँ पे हम लोग दोनों को प्रमाणित करके देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग को क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा कि इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सबसे पहले करना होगा। कौन कौन सा त्रिभुज? तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है? ए बी सी और ए डी सी में इन दोनों को सर्वांगसम करना होगा। तो तीन चीज चाहिए। तो देखिए ए सी जो है एंगल ए का संधिभाजक है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। दूसरा एंगल बी एंगल डी के बराबर हो जाएगा, सम्मुख कोण है समांतर चतुर्भुज के। और ये विकर्ण जो है ए सी, ये दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं, इसकी भी और इसकी भी, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो हमारा सर्वांगसम नहीं हो जाएगा इजीली। चलिए तो अब हम लोग इसको सर्वांगसम यहाँ कर देते हैं। तो लिखते हैं कि एंगल बी ए सी बराबर में एंगल डी ए सी। क्यों ऐसा? क्योंकि लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका विकर्ण ए सी है एंगल ए का संधिभाजक है, इसलिए उसको बराबर भागों में बांट रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। संधिभाजक है, ठीक है? संधिभाजक है। चलिए और फिर उसके बाद दूसरा चीज कि एंगल ए बी सी बराबर में एंगल ए डी सी, ये कोण बराबर हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए हो गया बराबर होते हैं। चलिए अब तीसरा चीज क्या हो जाएगा? तो एसी दोनों त्रिभुजों में, इसमें भी और इसमें भी, उभयनिष्ठ लिख देते हैं। उभयनिष्ठ इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारा त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी यहाँ से नहीं हो जाएगा सर्वांगसम, हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि यहाँ से हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। कैसे? तो देखिए ये कोण और ये इन दोनों कोणों को बीच वाली उभयनिष्ठ भुजा ना लेकर हम लोग कोई अन्य भुजा लिए हैं, इसलिए से क्या लिखेंगे यहाँ पर? एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक है? एंगल साइड सर्वांग समता से ये सर्वांगसम हो गया। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ से लिख सकते हैं सीपीसीटी से कि एंगल बी सी ए बराबर में एंगल डी सी ए। बी सी ए ये वाला एंगल डी सी ए के बराबर हो जाएगा कि नहीं सीपीसीटी से? चलिए तो ये यहाँ बराबर हो गया। तो जब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, इसका मतलब संधिभाजक, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर जो विकर्ण ए सी है, विकर्ण ए सी एंगल सी का भी संधिभाजक है, हमने दिखा दिया संधिभाजक है, ठीक है? अच्छा फिर एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हम चाहें तो ए बी इस ए डी के बराबर नहीं लिख सकते हैं सीपीसीटी से? तो जब ये दो आसन्न भुजाएं बराबर हो गई, तो दो आसन्न भुजाएं बराबर हुए और चूंकि ए बी सी डी एक
समांतर चतुर्भुज है। और हम लोग जानते हैं परिभाषा में कि अगर समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो वो समचतुर्भुज हो जाएगा। इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, हम लोग ऐसा लिख देते हैं, समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है, हमने यहाँ पे इसे प्रमाणित करके दिखा दिया। तो दोनों आपको यहाँ पे प्रमाणित हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलिए देखते हैं 7। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण ए सी कोण ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण बी डी कोण बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो चलिए पहले हम लोग एक समचतुर्भुज यहाँ पे बना लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसमें बात करेंगे। तो ये हमारा एक समचतुर्भुज बन जा रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग एक समचतुर्भुज ले लिए, इसका नामकरण कर देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी। ये आपका समचतुर्भुज है और हम लोग क्या करते हैं कि दोनों विकर्ण ना मिलाकर एक ही विकर्ण मिलाते हैं। ठीक है, ये हम लोग एक ही विकर्ण मिला रहे हैं, दूसरा भी मिलाएंगे, एक अलग से फिगर बनाएंगे उसमें मिला दिया जाएगा। इसलिए मैं दोनों एक साथ नहीं मिला रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ऐसे आप बनाओगे तो दोनों को भी मिला के लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। यही ना दिया है तो सिद्ध करना है। क्या करना जी, पहले मैं लिख देना है कि विकर्ण ए सी एंगल ए तथा एंगल सी दोनों को समद्विभाजित करता है। ये हमें साबित करके दिखाना है। ठीक है, और दूसरे में क्या दिखाना है, दूसरे में दिखाना है कि विकर्ण बी डी एंगल बी तथा एंगल डी दोनों को समद्विभाजित करता है, ऐसा हम लोग दिखाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। पहले मैंने एक विकर्ण को मिलाया है, अब ऐसा क्यों किया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इससे आपको समझने में इजीली आसानी होगी, इसलिए मैंने एक ही विकर्ण को मिलाया। लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज ए डी सी, इन दोनों में, तो चूंकि ये समचतुर्भुज है तो ए बी ए डी के बराबर बी सी आपका इस डी सी के बराबर हो जाएगा और ये ए सी उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों के लिए, सर्वांगसम नहीं हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज इजिली। चलिए ए बी इक्वल टू में ए डी है ना जी, अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखिए बी सी इक्वल टू में डी सी, ये बी सी डी सी के इक्वल, क्यों, क्योंकि यहाँ समचतुर्भुज की लिख सकते हैं, समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब लिख सकते हैं कि ए सी बराबर में ए सी उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों के लिए, उभयनिष्ठ है, तो अब यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के भुजा सर्वांग समता से। ठीक है, सर्वांग समता से ये हो जाएगा, चलिए सर्वांग समता से ये सर्वांगसम हो जाएगा। अब देखिए सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे देखिए, जब ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए तो यह कोण इस कोण के बराबर लिख सकते हैं और यह कोण जो है इस कोण के बराबर लिख सकते हैं सी पी सी टी से। तो लिख देते हैं कि एंगल बी ए सी इक्वल टू में एंगल डी ए सी और फिर तथा है ना एंगल बी सी ए इक्वल टू में एंगल डी सी ए, बी सी ए और डी सी ए, देख लीजिए बी सी ए और डी सी ए ये भी बराबर होंगे, कैसे होंगे, ये सी पी सी टी से, जब वो कोण बराबर हो रहे हैं, समझ लीजिए यहाँ जो त्रिभुज में ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण, यानी कि ये इसको समद्विभाजित न कर रहे थे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए विकर्ण ए सी एंगल ए तथा एंगल सी को समद्विभाजित करता है, ऐसा हमने दिखा दिया, समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब चलते हैं इसके सेकेंड वाले की तरफ।
चलिए अब इसके बाद है ना, तो फिर से मैं यहाँ पे वो समशब्द भी ले लेता हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, हमने यहाँ पे एक समशतभुज ए बी सी डी ले लिया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ए बी सी डी ये आपका समशतभुज है। हम लोग क्या करते हैं कि अब की बार जो विकर्ण है ना, अब की बार विकर्ण बी डी मिला देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्या लिखते हैं कि त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज ले लिया जाए। तो अगर यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज बी सी डी, इन दोनों त्रिभुजों में बी ए डी और बी सी डी, इन दोनों त्रिभुजों में क्या होगा, सेम उसी तरह से यहाँ पर ये जो बी ए होगा, बी ए जो होगा ये बी ए इस बी सी के बराबर हो जाएगा, है ना जी। और दूसरा चीज, इसमें जो ए डी होगा वह इसमें सी डी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अच्छा तीसरा चीज इसमें हो जाएगा कि बी डी जो है ना, बी डी दोनों त्रिभुजों में है, दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं, तो ये जो बी डी इसमें है और इसमें उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, त्रिभुज बी ए डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी के। तो जब सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे भुजा 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 सर्वांगसमता से ये सर्वांगसम होगा। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, आप सी पी सी टी से कौन क्या जी लिख सकते हैं जी, यहाँ पे हो जाएगा आपका एंगल ना दिखाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या जी, एंगल एंगल ए बी डी बराबर में, ए बी डी बराबर में एंगल सी बी डी, एंगल ए बी डी और ये सी बी डी बराबर हो जाएगा। अच्छा दूसरा चीज उसी तरह से, तथा एंगल ए डी बी, ए डी बी बराबर में एंगल सी डी बी हो जाएगा सी पी सी टी से। तो जब यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर, तो ये बी डी नहीं हो जाएगा दोनों कोण का समद्विबाधक, तो इसलिए लिख सकते हैं कि विकर्ण 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 जो है आपका बी डी एंगल बी तथा एंगल डी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करें, ए बी सी डी एक आयत है जिसके विकर्ण ए सी दोनों कोण एंगल ए और एंगल सी को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक वर्ग है, और फिर कह रहा है कि विकर्ण बी डी भी दोनों कोण एंगल बी और डी को समद्विभाजित करेगा। चलिए तो मैं यहाँ पर एक आयत ले लेता हूँ, इसे बनाया हूँ वर्ग ही लेकिन आयत ही कहूँगा। ठीक है, ए बी सी डी ये आपके पास क्या है, एक आयत यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसका एक विकर्ण मिला देते हैं, ये वाला कह रहा है कि ए एंगल ए और सी को समद्विभाजित यानी दोनों बराबर भागों में बांट रहा है। दिया क्या है, दिया है कि ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है, और कह रहा है कि विकर्ण विकर्ण ए सी एंगल ए और एंगल सी को, एंगल सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ये हम लोग ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, एंगल ए और एंगल सी को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, तो पहले मैंने कह रहा है कि ए बी सी डी जो है ना एक वर्ग है, एक वर्ग है, ये हमें दिखाना है। दूसरे में क्या करना है, विकर्ण विकर्ण बी डी एंगल बी और एंगल डी दोनों को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। चलिए ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में मिला लीजिएगा, अभी पहले हम लोग यही वाला केस लेके चलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने फिगर में बी डी को नहीं मिलाया, तो इससे समझने में भी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं मिलाते, बाद में मिलाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका प्रमाण देखिए। अच्छा हम लोग क्या करते हैं वर्ग दिखाने के लिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि आयत की अगर आसन्न भुजा बराबर हो जाएगी ना तो वर्ग हो जाएगा,
तो वही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसलिए लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए कोण समद्विभाजक, तो ये कोण ये कोण के बराबर, ये कोण के बराबर, ऐसी उभयनिष्ठ, इसी से हमारा काम बन जाएगा। बात को समझे ना जी। आप लिख सकते हैं कि एंगल एंगल बी ए सी बराबर में एंगल डी ए सी, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए सी जो है ना, ए सी एंगल ए का समद्विभाजक है, एंगल ए का समद्विभाजक है, ऐसा कह सकते हैं, समद्विभाजक है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ए सी बराबर में ए सी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल बी सी ए बराबर में एंगल डी सी ए, क्यों, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं कि ए सी एंगल ए एंगल सी का भी समद्विभाजक है, एंगल सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के, कैसे, एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता से। ठीक है, तो जब ये सर्वांगसम हो गया ये त्रिभुज इस त्रिभुज के, तो आसन्नभुजा यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा इस ए डी के बराबर हो जाएगा कि नहीं, देख लीजिए, तो आसन्नभुजा है ना जी, इन दोनों त्रिभुजों के लिए अगर देखा जाए तो ए बी ए डी के बराबर होगा, लेकिन इस आयत के लिए देखेंगे तो आसन भुजा आ जाएंगी, है ना जी। तो आसन भुजा अगर बराबर हो गई, और चूंकि चूंकि ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है, तो जब ए बी सी डी एक आयत है और ये आसन भुजा बराबर हो गई, तो ये देखो आयत है तो इसका आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी, ए बी बराबर में हो जाएगा आपका डी सी, ए डी बराबर में हो जाएगा आपका बी सी, इसलिए क्या हो जाएगा, चारों भुजाएं बराबर आ जाएंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर में डी सी बराबर में ए डी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आयत आयत जो था वर्ग हो जाएगा, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है, ये हमने दिखा दिया। दूसरे में दिखाना है जो विकर्ण बी डी एंगल बी और डी को समद्विभाजित करेगा, तो चलिए मैं फिर से यहाँ पे फिगर ले लेता हूँ। ठीक है, ए बी सी डी, अच्छा एंगल बी और डी को समद्विभाजित करता है ये बी डी, ये हमें दिखाना है, यानी ये इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। तो देखिए अब ये हमारा वर्ग हो चुका है, वर्ग हो चुका है ना जी, तो हम लोग आसानी से अब इसको कर सकते हैं। लेते हैं त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज बी सी डी में, बी ए डी और इस बी सी डी, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग देखते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बी ए है ना, बी ए ये बराबर है बी सी के, ठीक है, और दूसरा फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ए डी है ना, ये सी डी के बराबर है, ये इसके बराबर, क्योंकि ऐसा, क्योंकि हमने ए बी सी डी एक वर्ग दिखा दिया ना, तो वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, इसलिए हो जाएगा प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो गया। अच्छा फिर उसके बाद देखिए ये जो बी डी है इसमें, वो इसमें भी है, दोनों त्रिभुजों में है, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ यहाँ से हो जाएगा। तो अब आसानी से नहीं लिख सकते हैं कि त्रिभुज बी ए डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी के, भुजा 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 सर्वांगसमता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया, तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं कि यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, यह कोण इसके बराबर, सीपीसीटी से, यानी कि एंगल ए बी डी इक्वल टू में एंगल सी बी डी, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका एंगल एंगल ए डी बी बराबर में एंगल सी डी बी सीपीसीटी से। तो जब ये कोण बराबर हो जाएंगे तो हम नहीं लिख सकते हैं, अतः विकर्ण बी डी जो है ना, बी डी एंगल बी तथा एंगल डी को समद्विभाजित करता है,
समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, समझ गए, ये आपका प्रमाणित हो गया ना दोनों चीजें। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देते। अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन। रवि का आंसर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर। आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट करके जरूर बताएंगे।